हाय गाइस, नमस्ते। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत। लेट्स कम टू द टॉपिक, बिकॉज़ ड्रीम ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये रादर बात करने के लिए कि जब डिवाइन ने आना ही है, जब डिसाइडेड है कि डिवाइन ने आना है, जब डिसाइडेड है कि जो जो भी अवतार है उसने आना ही है, तो व्हाट आर वी डूइंग, लाइक हमारी प्रेयर्स या हमारी मैनिफेस्टेशंस या जो भी हम बोल लो, राइट? वो उसका क्या मतलब है, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो उससे क्या होने वाला है, क्या उससे कुछ होता है, क्या उससे नहीं होता है, व्हेन इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि डिवाइन ने या खलकी ने किसी ना किसी वक्त आना ही है। नाउ इफ एनी ऑफ यू वांट टू आंसर दिस, तो मैं द लिंक इज देयर, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं, हम कोई ग्रीटिंग्स में समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हमने प्रेयर भी आज थोड़ी लंबी करनी है। बट यस, इफ यू हैव अ क्रिस्प क्लियर वन लाइन आंसर दैट यू बिलीव इन, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। वीडियो पॉज हो रही है, मुझे लगता है मेरे इंटरनेट में इशू होगा। इवन मैं फोन का नेट भी स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो फिर उससे एटलीस्ट वन नेट विल टेक केयर, राइट? सो मे बी इंटरनेट का इशू हो सकता है। मैंने फोन का नेट भी स्टार्ट कर दिया है, तो होपफुली अब इशू नहीं होगा। मैं बोल रही थी कि डिवाइन जो है, जब डिसाइडेड है कि कल्कि ने आना है, या जब डिसाइडेड है कि अवतार ने आना है, या डिसाइडेड है कि डिवाइन ने आना है, तो जो हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम प्रेयर्स कर रहे हैं, जो हम ये सारी एनर्जीज डालते हैं, ये हमें डालने की जरूरत है या नहीं है, और इन एनर्जीज को डालने से क्या फायदा होता है या क्या चेंज होता है, और उससे कैसे चेंज होता है, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन। और सैनिका ने ऑलरेडी लिखा दैट दिस हेल्प्स द मसीहा टू कम सूनर, दिस इज लाइक, हाँ, बट मदर टेक्स केयर ऑफ द सन, गुड, इट विल प्रिपेयर अस, यस यशोधरा, यू राइट, यस यस एब्सोल्युटली। और ओके, यस, गुड। सो वी हैव ऑल ब्यूटीफुल गुड आंसर्स, और दिस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ऑल ब्यूटीफुल गुड आंसर्स, मैनिफेस्टेशन। और आई थिंक दैट मेरे को जितना समझ में आता है, आई काइंड ऑफ फाइंड टू वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस, राइट? आई काइंड ऑफ थिंक दैट देर आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर दिस। पहला सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है क्योंकि वेन एवर डिवाइन और कल्कि इज, और वट एवर वी कॉल, राइट, कृष्ण कल्कि जो भी हम बोले, दिस इज नॉट ओनली एन अवतार इन इटसेल्फ, ये एक अवतार नहीं है सिर्फ, इट इज अ कॉन्शियसनेस, राइट? इट इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज, यस, ड्रीम, एब्सोल्युटली, इट इज अ कॉन्शियसनेस, राइट? ये एक कॉन्शियसनेस है जो सब जगह फ्लो होने चाहिए, और ओनली व्हेन दैट कॉन्शियसनेस इज फ्लोइंग टू एवरी वन, सब तरफ, सब जगह, तभी वो कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज भी लाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो कि कल्कि या कृष्ण, तो वो चाहे तो एक चुटकी में सबका माइंड चेंज कर सकते हैं, राइट? इट वोंट टेक टाइम, एक सेकेंड में वो सबका माइंड चेंज कर सकते हैं, वेरी इजिली, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारी लर्निंग जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम उस कॉन्शियसनेस के लिए रेडी भी है या नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें कल्कि चाहिए या हम कृष्ण के इंतजार कर रहे हैं, तो हम उस कॉन्शियसनेस में हैं, हम उस एनर्जी में हैं कि हम उस कृष्ण को हम समझ पाए, उस कृष्ण को हम कनेक्ट कर पाए, उस कृष्ण की बात हम तक पहुंच जाए, क्या हम उस कॉन्शियसनेस में हैं कि हमारी सोल वहां पहुंची है, हमने अपनी बॉडी या माइंड का जो लेवल है और जो सोल की कनेक्टिविटी है उसको करेक्ट किया है? क्योंकि जब तक हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, तब तक वो आके भी वही कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उनको जादू से ही करना है तो वो बिना आए भी कर सकते हैं। सो अगर फिजिकल वर्ल्ड में उनको वो चेंज करना है, तो आई थिंक वन फर्स्ट रीजन इज कि हमारी अवेयरनेस को पहले बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ओनली व्हेन हमारी अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी और वो उस लेवल तक पहुंचेगी, दैट इज ओनली जब हम उस कॉन्शियसनेस में फ्लो हो सकते हैं, अदरवाइज हम उस कॉन्शियसनेस में फ्लो ही नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज वन रीजन दैट आई अंडरस्टैंड। ओके, नाउ
सेकंड रीजन, और ये बहुत लोगों ने लिखा दैट प्रेयर्स जो हैं ऑब्स्टेकल्स रिमूव करती हैं. यस दे डू दैट, बट एक तरह से आई थिंक इट इज मोर फॉर द फॉर अस फॉर आर इवॉल्वमेंट, क्योंकि डिवाइन है राइट. दे ही कैन वेरी वेल और शी कैन वेरी वेल रिमूव द एनर्जी, कैन वेरी वेल रिमूव द ऑब्स्टेकल्स. लेकिन अगर हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं है तो वो जादू हो गया ना. तो जादू करना है तो उनको आने की जरूरत नहीं है, वो वहां जहां बैठे हैं वहीं से भी जादू कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज लर्निंग अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग आर कॉन्शियसनेस. तभी हम उस प्लग इन से कनेक्ट कर पाएंगे अगर हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे होगी. यस, हमारी वाइब्रेशंस रेज करना. यस, अनदर पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मैनिफेस्टेशन. क्यों? क्योंकि जो हम देखो, जो भी आप क्रिएट करते हो लाइक अ चाइल्ड कमिंग आउट ऑफ आर वूम राइट, हमें वो बहुत प्यारा होता है. तो जो भी हम क्रिएट करते हैं उससे हमें एक्स्ट्रा प्यार होता है. हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं उसके लिए जो हम क्रिएट करते हैं. नाउ थिंक अबाउट इफ यू आर मैनिफेस्टिंग डिवाइन, अगर आप कल्की के आने के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, व्हाट इज योर एनर्जी दैट आई एम मैनिफेस्टिंग डिवाइन. एंड व्हेन दैट डिवाइन अपीयर्स, जब वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, द फर्स्ट फीलिंग इज दैट yes I manifested with it, I manifested this. When you manifest it, you connect with it better. आपकी कनेक्टिविटी आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन से बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल होती है देन समथिंग दैट इज जस्ट हैपनिंग. और जो जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं वो कैसे बात करती काम करती हैं, वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही काम करती हैं राइट. तो जब आपकी एक आपकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इंक्रीज हो गई, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट किया है, यू आर मोर कनेक्टेड टू दैट एनर्जी. सो दैट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी मोर ब्यूटिफुली. वो आपको उस एनर्जी की कनेक्टिविटी जो है उसके साथ बहुत अच्छे से ज्यादा पावरफुली कनेक्ट होने देगा राइट. दिस इज फर्स्ट रीजन दैट आई थिंक. सेकेंड रीजन विच केम टू माई माइंड और विच आई थॉट इज के आपने कभी देखा है कि जो सैनिक हैं या जो सोल्जर्स हैं या जो किंग है या जो सिक्योरिटी हेड या डिफेंस हेड्स या जो भी मेजर्स कर्नल्स जो भी आप लोग, जब वो लड़ने जाते हैं तो वो अपने हथियार खुद नहीं बनाते हैं राइट. और जो हथियार बनाते हैं वो लड़ते नहीं है वॉर में. सो इट इज ऑल्सो पार्शली दैट एनर्जी कि जो फ्रंट में आके चेंज ले लाएगा, उसको वहां आने के लिए, उसको वहां उस एनर्जी को लाने के लिए, उसको वो चेंज लाने के लिए एक बहुत बड़े पावर हाउस की जरूरत है. अब वो पावर हाउस जो है, अगेन अगर वो खुद बनाएगा तो जादू से करना नहीं है. तो अब उस पावर हाउस को क्रिएट करने के लिए वी आर लाइक दोज पीपल जो पीछे उनका उनके हथियार बना रहे हैं, या उनकी जैसे जो शील्ड्स होती हैं, या जो उनको सेव करने के लिए बनाए जाते हैं, या जो एरो बो जो भी बनाया जाता है, और जो शील्ड सेफ गार्ड करने के लिए बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं, जो बनाता है वो खुद नहीं पहनता है राइट. जो बनाता है वो खुद नहीं पहनता है. यस एब्सोल्युटली स्टार्ट्स विद लर्निंग. इट इज ऑलवेज कि जब आप बनाते हो और फिर किसी और को देते हो जो पहनता है और उसको यूज करता है, इट इज सिमिलर एनर्जी कि हम जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी हम क्लिंजिंग कर रहे हैं, जो भी हम यूनिवर्स को एनर्जीज भेज रहे हैं, हम वो भेज रहे हैं, दैट इज पार्शली बिकॉज हम वो प्रिपरेशन वर्क कर रहे हैं, सो दैट व्हेन ही कम्स द फील्ड इज रेडी, द एमिनेशन इज रेडी एंड द सेफ्टी इज रेडी. तो जब वो आए तो उनकी फील तैयार है, उनके जो भी हथियार उनको यूज करने हैं वो तैयार हैं, और जो उनकी सेफ्टी के लिए चाहिए वो तैयार है, एंड देन दे कैन जस्ट स्टार्ट द वर्क. सो दीज आर टू रीजंस जो मुझे समझ में आते हैं ऑफ व्हाई वी डू प्रेयर्स, या व्हाई एनीबडी एल्स किसी भी युग में प्रेयर्स करनी पड़ी
कल्की को लाने के लिए या ऑनलाइन क्लास प्रीशियस क्लास लगाओ ध्यान से, कल्की को लाने के लिए या किसी भी कृष्ण को लाने के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो प्रिपरेशन करें, क्योंकि हम पहला प्लगइन डाल रहे हैं उसमें, राइट? और उसके बाद जो है वो बाकी की चीजें जो है वो डिवाइन एनर्जी से अपने आप फ्लो होती हैं, क्योंकि अगर डिवाइन को ऐसे ही करना हो तो डिवाइन जो है वो जादू से सब कुछ कर सकता है, बट जादू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस, इट इज द टीम वर्क. ये टीम प्रिपेयर होती है और उसके बाद जो लीड करता है वो आता है, बट द लीडर जस्ट लीड्स, राइट? द टीम हैज टू बी देयर. तो इसीलिए दैट इज व्हाई हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली दैट एनर्जी, दैट अटैचमेंट, दैट लव, दैट कनेक्टिविटी, दैट ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि आपने खुद उसको मैनिफेस्ट किया है, राइट? तो जब आप खुद मैनिफेस्ट करते हो तो वो और ज्यादा ब्यूटिफुली वर्क करता है. सो आई थिंक दैट दीज आर बेसिक रीजंस जो मैं सोच सकती हूँ. इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर रीजन, यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट इट अक्रॉस. और यस ड्रीम, एब्सोल्युटली, यस यस एग्जैक्टली, द वर्क इज डन, राइट? सो यस, सो आई थिंक दैट इज इट. और आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर फर्स्ट, सो दैट वी नो कि कितनी इम्पोर्टेंट है हर एक प्रेयर, हर एक चीज जो हो रही है इस टाइम पे. यस एग्जैक्टली, मैजिक तो पीपल लोग नहीं ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे ना, मैजिक पे कोई बिलीव नहीं करेगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो मच एक्साइटेड, गुड न्यूज फॉर SSR. व्हाट हैपेंड नेहा, डिड समथिंग हैपन? बट एनी वेज आई थिंक या गुड न्यूज फॉर SSR एनी विच वेज, क्योंकि जो भी हो रहा है अभी इट इज ऑल वर्किंग इन हिज फेवर. सो आई थिंक दैट इज वट आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड आई थिंक दैट बी वेरी वेरी connected with this energy and know that every word that you are saying, every prayer that you are doing, every prayer that you are making, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ब्यूटिफुली काम कर रही हैं, बहुत ब्यूटिफुली काम कर रही हैं, वो मैनिफेस्टेशंस बहुत ब्यूटिफुली हो रही हैं. एंड इट इज ऑल योर हार्ड वर्क, इट इज ऑल द वर्क जो आप पुट इन कर रहे हो इस चीज में, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जीज, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी सोल, अपना वक्त, सब कुछ लगा के. सो इट इज ऑल वर्किंग वेरी ब्यूटिफुली वेल. ओके, नाउ